इज और ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ए अकेला किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ए अलोन वर्क फॉर 2 डेज, अब उसी काम को ए ने 2 दिन के लिए किया। बी ज्वाइन, उसका बी ने उसको ज्वाइन किया एंड दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। तो यही पूरा काम करने में फिर दोनों ने मिलकर उसको 3 दिन के बाद खत्म कर दिया। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन पहले भी ऐसा करवा चुका हूँ कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होता है, टोटल वर्क। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल वर्क। अब टोटल वर्क के लिए आपको नंबर ऑफ मैन और कितने दिनों तक वो काम कर रहे हैं उसकी जरूरत होती है। तो ठीक है, तो अगर मैं इस कंडीशन पे जाता हूँ तो टोटल वर्क क्या होगा, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। तो टोटल वर्क हो गया ए इंटू ए, नंबर मैन यहाँ पर हो गया ए, एक ही आदमी हुआ ए, तो कितने दिन तक उसने काम किया, 8 दिन तक। तो ए इंटू 8, ये हमारा आ गया टोटल, ये हमारा क्या हो गया टोटल। अब यही सेम काम ऐसे भी किया जा सकता है कि ए ने उस इस काम को 2 दिन तक किया, तो ए इंटू 2 प्लस बी ज्वाइन एंड दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। उसके बाद बी ने उसको ज्वाइन किया तो ए प्लस बी, और कितने दिन तक, बी के ज्वाइन होने के बाद 3 दिन में दोनों ने मिलती, यानी कि 8 टू 3। इस तरह से भी आप उस काम को खत्म कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आपको क्या कहा जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो आपको पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखो ए इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8 ए। ए इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 ए। प्लस 3 इंटू ए क्या हो जाएगा, 3 ए। और प्लस 3 इंटू बी क्या हो जाएगा, 3 बी। नाउ व्हाट वी विल है, देखो ये हो जाएगा 8 ए, 2 ए प्लस 3 ए हो जाएगा 5 ए। इसको यहाँ लेके आओगे तो -5 ए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 3 बी। 8 ए -3 5 ए कितना आ जाएगा, 3 ए, और ये हो गया आपका 3 बी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ए अपॉन बी आ जाएगा 1/1। तो आपके पास ए और बी की एफिशिएंसी आ गई कि ए अगर किसी काम को 1 यूनिट कंप्लीट करता है तो बी भी उस काम का 1 यूनिट कंप्लीट करता है, यानी कि दोनों की जो एफिशिएंसी है इसके हिसाब से वो क्या है, यानी कि जितने टाइम में ए उस काम का 1 यूनिट करेगा उतने टाइम में बी भी उस काम का 1 यूनिट कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखो, अब पहले आप टोटल वर्क निकालो कितना है जो हमें कंप्लीट करना है। टोटल वर्क था आपका 8 ए, ए की जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है, तो टोटल काम था 8 यूनिट, टोटल काम था 8 यूनिट। ठीक है, अब आपको क्या पूछा जा रहा था, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, तो बी जो है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट। बी की एफिशिएंसी भी कितनी है, 1 यूनिट। ठीक है, तो बी भी इसको खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, यूनिट का मतलब यहाँ पे डेज है, यूनिट का मतलब क्या हो गया आपका, डेज। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है भैया, अगर ए ने उस काम को 8 दिन में कंप्लीट किया था और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट। अब बी की एफिशिएंसी भी कितनी है, 1 यूनिट, दोनों की एफिशिएंसी सेम है, तो बी भी जो है यहाँ पे, जो मैंने यूनिट लिखा है यहाँ पे, यूनिट का मतलब डेज ही है कि बी भी उस काम को 8 दिन में खत्म कर देगा। भाई अगर एक दिन में ए जो है 1 यूनिट काम करता है तो 8 दिन में बी ने कर दिया 8 यूनिट, यही टोटल वर्क था। तो बी भी एक दिन में 1 यूनिट करता है तो वो भी उस 8 यूनिट वाले काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगाएगा, 8 डेज लगाएगा, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है।